हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 5 सप्लीमेंट्री रीडिंग चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। सो लेट वी कंटिन्यू अवर चैप्टर। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। बाद में बर्फ गिरी और बर्फ के बाद फ्रॉस्ट गिरा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। और पूरा रास्ता स्ट्रीट ऐसा लग रही थी कि जैसे कोई चांदी की बनी हो, ऐसा पूरा रास्ता लग रहा था। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फॉर्स एंड द लिटल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस। सभी बच्चों ने जैसे कोई फर मतलब ऐसे रुआ पहन ली हो, और छोटे बच्चों ने गहरे लाल रंग की टोपियां पहन ली, और वो लोग बर्फ में स्केटिंग करने लगे, मतलब उन्होंने बर्फ में स्केटिंग की। द पुअर लिटल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस ही लव हिम टू वेल। ये बेचारा स्वैलो बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा गया, लेकिन उसने राजकुमार का प्रिंस का साथ छोड़ा नहीं। वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। ही पिक अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ही ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। ही पिक अप क्रम्स, दोस्तों यहाँ पे क्रम मतलब पीस ऑफ ब्रेड, मतलब वो बेकरी वाला नहीं देख रहा होता था, वो दरवाजे से कुछ ब्रेड मतलब रोटी के टुकड़े उठा लेता था और अपने पंख फफड़ाकर अपने पंखों अपने आप को वो गर्म रखने की कोशिश करता था। बट एट लास्ट ही न्यू डैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अंत में उसको पता चल गया कि वो अब मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। उसमें इतनी ही शक्ति बची थी कि वो एक बार फिर से उड़कर राजकुमार के कंधों पर बैठ सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। गुड बाय प्रिय राजकुमार, ऐसे वो मर्मर मतलब बुदबुदाया, धीरे से बोला। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ चुमने दोगे। आई एम ग्लेड डैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटल सैलो सेड द प्रिंस। मुझे खुशी हुई कि तुम लास्ट में इजिप्ट जा रहे हो, छोटे सैलो, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रुके, किंतु तुम्हें मुझे ओठों पर चुमना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो। जहाँ मैं जा रहा हूँ वो इजिप्त नहीं है, छोटे स्वैलो ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। मृत्यु नींद का भाई है, स्लीप का भाई है, क्या वो नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और उसने राजकुमार के ओठों को चुमा और उसके पैरों पर वो गिर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस कैट साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। उसी क्षण ये राजकुमार की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति में से टूटने की विचित्र आवाज आई, मानो कुछ टूट रहा है। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैज स्नैप्ड राइट इन टू। हकीकत वास्तविकता यह है कि उसका दिल ठीक दो बराबर हिस्सों में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, वो एक अवश्य भयंकर
पाला था. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर. अगले दिन सुबह के समय मेयर टाउन के पार्षदों के साथ चौराहे पर वो भ्रमण कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे. एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैच्यू. जब वो स्तंभ के पास से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति की ओर देखा. डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड. उन्होंने बोला, प्रिय मित्र, ये जो हैप्पी प्रिंस कितना गद्दा, मतलब बद्दा, मतलब खराब लग रहा था. उसने कहा, हाउ सैबी इंडीड, क्राइड द टाउन्स काउंसिलर्स हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. वास्तव में वो कितना अगली लग रहा है, खराब लग रहा है. टाउन के जो पार्षद थे उन्होंने कहा, जो हमेशा मेयर की बात में सहमत होता था, और वे उसे देखने के लिए आगे गए. द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर. उसकी जो तलवार से जो लाल रूबी था वो भी गिर चुका है, उसकी आंखें भी जा चुकी है, और अब वो सुनहरा गोल्डन का रहा नहीं है, मेयर ने कहा. इन फैक्ट ही इज अ लिटल बेटर देन अ बेगर. हकीकत में वो एक भिखारी जैसा लग रहा है. लिटल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर. बिल्कुल भिखारी जैसा, टाउन के काउंसिलर ने कहा. एंड यूर एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर. और यहाँ पे हकीकत में उसके पैरों में एक मरा हुआ पक्षी है, मेयर ने कहा. वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन डैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर. हमें वास्तव में ज़्यादा तौर पे घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ पे मरने की अनुमति नहीं है. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन. और टाउन के जो क्लर्क था उस सुझाव को अपने पास लिख लिया. सो दे पुल्ड डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति गिरा दी. एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. अब वो सुंदर नहीं रहा, इसलिए कोई काम का नहीं रहा, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा. Then they melted द स्टैच्यू इन फर्नांस. उसके बाद उन्होंने प्रिंस की जो स्टैच्यू था उसको भट्टी में पिघला दिया. What a strange thing, said the overseer of the workman at the foundry. कैसी विचित्र बात है, भट्टी के जो मजदूर था वो मजदूर ने निरीक्षक जो करने वाला था उसको कहा कि कितना विचित्र है. दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. और वही टूटा हुआ जो शीशे का दिल था वो भट्टी में पिघला नहीं. टूटा हुआ जो शीशे का दिल भट्टी में नहीं गलेगा. वी मस्ट थ्रो इट अवे. हमें उसको बाहर फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइन. इसलिए उन्होंने उसे धूल के ढेर पर जहाँ पे स्वेलो को फेंका था वहाँ पे फेंक दिया. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वंस ऑफ हिज एंगल्स. एंड द एंगल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन सिटी,
सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंगल। भगवान ने किसी एक दूत से कहा कि शहर में से मेरे लिए दो सबसे कीमती सामान है वो लाओ, और दूत ने उनके लिए शीशे का दिल और ये सैलो को ला दिया। एंगल ब्रॉट हिम द लेडल हार्ट एंड द डेड बर्ड। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। यू हैव राइटली चूजन, मतलब आपने बहुत अच्छी तरह से चुनाव किया, भगवान ने कहा, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। भगवान ने कहा कि ये स्वर्ग के बगीचे में ये छोटी चिड़िया हमेशा के लिए गाएगी और मेरे गोल्डन शहर में हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करेगा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन। सो फ्रेंड, लेट वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन, हाउ डिड द प्रिंस हेल्प द मैच गर्ल एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। हाउ डिड द प्रिंस हेल्प द मैच गर्ल, मैच गर्ल को प्रिंस ने कैसे मदद की और उसका रिजल्ट परिणाम क्या है। तो द हैप्पी प्रिंस हेल्प द मैच गर्ल विथ वन ऑफ द सपायर्स। द मैच गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर एज हर मैचिस हैड फॉलन इन द गटर। किसकी, इसकी जो मैचिस थी वो मैच कहाँ पे गिर गई थी, गटर में। एज सुन एज शी गॉट द सपायर इन द फॉर्म ऑफ हेल्प हर हैप्पीनेस वेंट बियॉन्ड द लिमिट। जब उसको स्पायर मिला तो उसकी जो खुशियाँ थी वो लिमिट से बाहर चली गई। वॉट हैपन वैन द लिटल सैलो फेल डाउन एट द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। वॉट हैपन वैन द लिटल सैलो फेल डाउन एट द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। जब छोटी सी चिड़िया हैप्पी प्रिंस के कदमों में पड़ा तब क्या हुआ। When the little sailor fell down at his feet, a curious crack sounded inside the statue. एक विचित्र आवाज उसके स्टैच्यू में से इनसाइड अंदर से आया। It seemed that something is had broken. ऐसा लगता था कुछ टूट रहा था। In fact, the ladle heart had swept right into the dreadful hard post. ऐसा लग रहा था ये टूटा हुआ दिल स्वेप्ट राइट इन टू इन द ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट। जैसे कि दो पार्ट में, दो हिस्सों में वो टूट रहा था, ऐसा लग रहा था। सो फ्रेंड, हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन सप्लीमेंट्री रीडिंग 5 द हैप्पी प्रिंस। सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। जय स्वामीनारायण।